फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स रिठाला बवाना नरेला जो मेट्रो रूट है, ये मेट्रो रूट ना हो के भारत सरकार की एक पंचवर्षीय योजना हो गई, जहाँ पे ये तो पता ही चलता है कि हाँ भाई मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, लेकिन कब स्टार्ट होगा इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। मेट्रो चलाना तो दूर की बात है, उसका प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा अब तक कि मेट्रो यहाँ से पास होगी भी या नहीं होगी, सिर्फ प्रोजेक्टेड है। कभी न्यूज़ आती है कि DDA ने DMRC को 350 करोड़ रुपए दे दिए नरेला रूट पे मेट्रो चलाने के लिए, कभी न्यूज़ आती है कि 850 करोड़ रुपए दे दिए DDA ने DMRC को फेज़ 4 की मेट्रो के लिए, कभी न्यूज़ आती है कि DDA और DMRC के इंजीनियर्स ने इस रूट का जॉइंट इंस्पेक्शन किया। तो कभी कुछ आता है तो कभी कुछ आता है। रिठाला से बवाना होते हुए नरेला के रूट में जितनी भी कॉलोनीज आती हैं और जितने भी गाँव आते हैं, वह गाँव वाले और कॉलोनीज वाले परेशान हो गए हैं कि सुन सुन के कि मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट होगी, मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट होगी, लेकिन मेट्रो का तो कुछ आता पता ही नहीं है। मेट्रो स्टार्ट होना तो दूर की बात है, उसके प्रोजेक्ट का ही कुछ आता पता ही नहीं है। DDA की जब भी कोई नई हाउसिंग स्कीम आती है, DDA इसका बहुत प्रचार करता है कि हाँ भाई रिठाला से लेकर नरेला तक की मेट्रो प्रोजेक्टेड है, मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही ये स्कीम खत्म होती है, यानी कि लोग फ्लैट की बुकिंग करा लेते हैं, दोबारा से इस रूट की इग्नोरेंस स्टार्ट कर दी जाती है DDA के द्वारा। रिठाला नरेला कॉरिडोर में लगातार हो रही देरी से नाराज जो स्थानीय लोग हैं, जो नरेला के बवाना के और आसपास के कॉलोनीज और गांव के जो वहां के लोकल लोग हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और इस नाराज़गी को व्यक्त करते हुए ये लोग अब इकट्ठे होते जा रहे हैं, यानी कि लामबंद हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर ये शहरी विकास मंत्रालय से डिमांड कर रहे हैं कि रिठाला से लेकर नरेला की जो मेट्रो है उस प्रोजेक्ट को लोकसभा चुनाव से पहले क्लियर कर दिया जाए। इसके लिए नरेला और आसपास की कॉलोनियों और गांव के RWA इकट्ठी हो गई है, वहां की एसोसिएशन इकट्ठी हो गई है, वहां की कई मर्चेंट एसोसिएशन इकट्ठी हो गई है, और सब इकट्ठे होकर LG से और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। उन्होंने इसके रिगार्डिंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर विनय कुमार सक्सेना को और हरदीप पुरी को लेटर भी लिखे हैं और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। ये सबके सब एसोसिएशन जो है, एक ज्वाइंट रूप से इनकी मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में फैसला किया गया था कि मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए जो उनका स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को तेज किया जाएगा, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और शहरी विकास मंत्री से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ग्रीन सिग्नल देने की बात की जाएगी। वहीं इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए नरेला चेतना मंच के लोग भी आगे आए हैं। नरेला चेतना मंच के लोगों ने एक सामूहिक उपवास का आयोजन किया है, जो कि कल यानी कि 9 जुलाई को नरेला के मंगला चौक पर सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक सामूहिक जो उपवास रहेगा, वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और गवर्नमेंट को चारों तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेशराइज करने का एक प्रयास है। नरेला उसके आसपास की कॉलोनी और वहाँ के गांव के लोग इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से तो पूरा पूरा संघर्ष कर ही रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट देखते हैं क्या करती है, कब तक इसको स्टार्ट करती है। मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।